तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल इंडियन जॉब में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फूड सेफ्टी ऑफिसर के पद पर एक वैकेंसी निकला है, तो उसी के बारे में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और इसी तरह का न्यू वैकेंसी की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बताते हैं दोस्तों, इसमें क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, कब तक ऑनलाइन होगा, कौन सा कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है दोस्तों, कितना सैलरी मिलेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब देख सकते हैं फूड डिपार्टमेंट की तरफ से भर्ती निकाली गई दोस्तों। देख सकते हैं पोस्ट नेम फूड सेफ्टी ऑफिसर के पद पर निकाली गई है। टोटल वैकेंसी 56 है दोस्तों। इसका आवेदन प्रक्रिया सिर्फ ऑनलाइन होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए लिखा गया है सिर्फ राइटिंग एग्जाम होगा दोस्तों, और आपको यह जॉब दिया जा सकता है दोस्तों। आप देख सकते हैं सैलरी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो 35,400 से लेकर 1,12,000 रुपये तक आपको सैलरी मिलेगा दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, एज लिमिट के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो मैक्सिमम एज मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा एज आपको 38 वर्ष के अंदर होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए आगे एप्लीकेशन फी के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है, जो जनरल ओबीसी के लिए 600 रुपये फी रखी गई है, और वहीं SC ST 150 रुपये में आवेदन कर सकते हैं। और देखिए पेमेंट मोड इसका बताया गया है, जो ऑनलाइन कर सकते हैं आप दोस्तों, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड के सहारे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो ग्रेजुएशन आप पास होंगे तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और देखिए यहाँ पे जॉब लोकेशन के बारे में बताया गया, एंडमान और निकोबार के लिए जॉब निकाला गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं एंडमान और निकोबार के लिए जॉब वैकेंसी निकाली गई है, देख सकते हैं जॉब लोकेशन। और देखिए आगे जानकारी दिया गया, इसका आवेदन प्रक्रिया किस तरह से होगा उसी के बारे में यहाँ पे जानकारी लिखा गया है दोस्तों। तो आप स्टेप बाय स्टेप पढ़कर इसे ऑनलाइन कर सकते हैं, इसका लिंक हम वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और देखिए यहाँ इम्पोर्टेड डेट दिया गया है, जो कब से स्टार्ट होगा उसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 जून से डेट स्टार्ट होगा, और 14 जुलाई तक लास्ट डेट रखी गई है दोस्तों। और देखिए अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, यहाँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दिया गया है दोस्तों, इसका लिंक हम वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपको ऑनलाइन करना है तो यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू वैकेंसी की जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।